नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मिसलेनियस बायोलॉजी आप सभी को मिल रहा है वीडियो और फाउंडेशन भी। उसी क्रम में आज अगले वीडियो के तरफ चलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज जो हम आप लोग सभी के लिए वीडियो लाए हैं वो साइंस बायोलॉजी से संबंधित या साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएँ हैं, जिस शाखाएं में किसको अध्ययन करते हैं उसके बारे में वर्णन है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखेंगे कि कौन से साइंस के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग को पहला जो वर्ड जो ऊपर दिखाई दे रहा है उस वर्ड का नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किस्मत के बारे में, भाग के बारे में, इन फ्यूचर होने वाला क्या है जिसको हम लोग ज्योतिष विद्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिषा शास्त्र यानी ज्योतिष के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और ज्योतिषा शास्त्र विज्ञान का ही एक तंत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग भविष्य में होने वाले घटनाओं का अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं। जैसे पृथ्वी का अनुमान क्या होगा, पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ संभव है, इन फ्यूचर किस चीज़ की कमी हो जाएगी, ग्लेशियर कब पिघल जाएगा, ये सब सारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है, एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मानव के इतिहास के बारे में, मानव का जीवन किस प्रकार बीता था शुरुआती स्टेज में, मानव के जीवन में कौन से रीति रिवाज थे, उन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें। कुल बात मिलाकर ये समझे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विकास के बारे में, मनुष्य के पुरानी रीति रिवाजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि लिखा हुआ है मानव विकास इतिहास और रीति रिवाज के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो है वो है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी से आया, पोमोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम लोग फल का अध्ययन करें। विज्ञान की वैसी शाखा, साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फल का अध्ययन करते हैं उसे पोमोलॉजी कहते हैं। जैसे किसी फल को विकसित करना है, किसी फल को बड़ा करना है, इसका आकार बड़ा, उत्पादन ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा ब्रांच होगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बाद अगला जो आता है उसका नाम है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, आपको एक वर्ड याद होगा सिस्मोग्राफ। आपसे सवाल पूछेगा भूकंप की तरंगें किससे रिकॉर्ड की जाती है, भूकंप की तरंग किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तरंग मापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं या तीव्रता किस पर मापते हैं उसका नाम है रिएक्टर स्केल। दोनों बात अलग अलग है, दोनों सुनने में सेम लगता है, लेकिन भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, भूकंप की तीव्रता को कंट्रोल किया जाता है, सॉरी कंट्रोल नहीं, मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। और जिसके अंतर्गत भूकंप तरंग का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत भूकंप तरंग का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन, भूकंप आज मुजफ्फरपुर में थोड़ा मोड़ा आया था, थोड़ा मोड़ा झटका दिया है मुजफ्फरपुर यानी जिला में। मैं न्यूज़ देख रहा था, थोड़ा अनुभव हुआ है कि मुजफ्फरपुर में हुआ है, लेकिन हम सभी को महसूस नहीं हुआ है क्योंकि उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर बहुत कम थी। तरंग को रिकॉर्ड किया गया है सिस्मोग्राफ में। अगला है इकोलॉजी। आप सभी को बायोलॉजी में फाउंडेशन में पढ़ाया भी था, इकोलॉजी आपको पढ़ाना है। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? वनस्पति या जंतु दोनों का संबंध पर्यावरण से किस प्रकार है, पर्यावरण से संबंध होने का जंतु और वनस्पति का संबंध किस प्रकार है पर्यावरण के साथ, उसके बारे में जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के बाद हम लोग को पढ़ना है हाइजीन। हाइजीन जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्वास्थ्य की देखभाल, क्यूरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर आपको स्वस्थ कैसे रहने हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ किस प्रकार रख सकते हैं, कौन कौन सा प्रिकॉशन बरतोगे, कौन कौन सा चीज़ खाओगे या कौन कौन सी सावधानी बरत लोगे जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको किसके अंतर्गत आना होगा, हाइजीन के अंतर्गत, जिसके अंदर हम लोग स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? जैसे आपको बोलते हैं एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, अपने शरीर में तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसे हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं।
तंत्रिका तंत्र अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला है फिजिक्स में एक ब्रांच पढ़ना है जिस ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? विज्ञान की फिजिक्स की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के प्रकार, प्रकाश की घटना और प्रकाश के विभिन्न प्रकार के रंग एवं गुण, उसके प्रकार अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स अंतर्गत लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण, प्रकाश का प्रकार। अगला है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या है इसको समझ लीजिए। बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे और पढ़ने के क्रम में आप लोग चित्रांकन या चित्रकला का एग्जाम देते थे, लेकिन वही जब आप सीनियर क्लास में चले आए और ड्राइंग का एग्जाम जब देना शुरू किया तो उसका हिंदी में नाम रखा गया ललित कला। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे एस्थेटिक्स, एक्चुअली हमें बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये वर्ड, इसलिए मैं बोल अच्छे से नहीं पा रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो होता है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस्थेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ललित कला, यानी चित्रांकन के बारे में, पेंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी, मतलब न्यूमेरिकल मतलब अंक, और विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अंक के बारे में अध्ययन करेंगे, डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 50 लाख, अंक के बारे में जिसके बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, अंकों का अध्ययन। अगला है सेरिकल्चर। आपको पता है सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है ऐसा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रेशम का कीट पालते हैं, रेशम का कीड़ा पालते हैं, रेशम के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसका नाम है सेरिकल्चर। क्या नाम है बाबू? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंतर्गत किसा पढ़ते हैं, रेशम के कीड़ा के बारे में, रेशम के कीट के बारे में पढ़ते हैं। अगला है फाइकोलॉजी। फाइको से वर्ड बना है फंगी, और फंगी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके बारे में शैवाल के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं, शैवाल कैसा होता है, शैवाल कितने तरह का होता है, नीला शैवाल, हरा शैवाल, शैवाल जो है वो कौन सा जीव के अंतर्गत आता है, शैवाल अपने भोजन किस प्रकार लेते हैं, ये सारी चीज़ जो हम लोग ग्रहण करेंगे जानेंगे उसका नाम है फाइकोलॉजी। अगला है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है मानव का, मनुष्य जो है मानव का जो मानसिक संक्रमण हो जाता है। मानसिक संक्रमण क्या होता है? जैसे कि दिमाग गंदा होना जिसको कहते हैं। अब मानसिक संक्रमण का मतलब आप किसी चीज़ को देखते हैं और वही चीज़ आपके दिमाग में बस जाता है, अब उसको कैसे दूर करें। तो मानसिक संक्रमण का जिसमें अध्ययन करते, आदमी किस तरह ग्रसित है, कौन से चीज़ से ग्रसित है, दिमाग से इसको किस प्रकार की चिंता है, तो मानसिक टेंशन को अगर दूर करने के लिए बात करते हैं तो उसका नाम है टेलीपैथी। अगला है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है जब लोग खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद हम लोग को कुछ अवशेष के रूप में शिलालेख मिलता है। शिलालेख का मतलब होता है ऐसा जिस पर पत्थरों पर खुदाई करके लिखा हो, उस इस प्रकार की लिपि रहती है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं ये किसका है। जैसे आप सभी को पता है अशोक का शिलालेख, रूमी देही शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख का नाम है, उस शिलालेख पर हम लोग ये जानते हैं, तो उस शिलालेख के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। लास्ट है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या है? जो लास्ट में मैं लिखा हूँ अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या है? ऐसा जिसके अंतर्गत हम लोग वृक्षों के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, पीपल का वृक्ष कैसे डेवलप किया जाए, पीपल के वृक्ष को किस प्रकार डेवलप करेंगे, या फिर अन्य प्रकार के फसलों के वृक्ष को, आम का पौधा हो गया, अशोक का पौधा हो गया, या विभिन्न प्रकार के फसलों का डेवलपमेंट, वृक्ष को किस प्रकार डेवलपमेंट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप क्लियरली देखते हैं क्या कि इन सब सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग इन विज्ञान के शाखाओं के अंतर्गत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वयं।